मैं पहले तो टॉस की शूटिंग में बिजी था, उसके बाद एक और फिल्म है द फ्लैग जो हाल ही में रिलीज़ होगी, और उसके अलावा मैंने एक हॉलीवुड फिल्म भी की है रिसेंटली, फ्लोरिडा रोड, जो बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ है मेरे लिए, क्योंकि बहुत ही नया एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए, स्टेपिंग अक्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया एंड डूइंग समथिंग ओवरसीज इन हॉलीवुड. सो या दैट्स व्हाट कीपिंग मी बिजी, लिटिल बिट ऑफ वर्क, लिटिल बिट ऑफ working on myself, a little bit of play, a little bit of everything, balancing life. ये actually जो toss है, हमारे सबके ज़िंदगी में एक बहुत सारे पल आते हैं जहाँ पे हमें decisions लेने पड़ते हैं. So you can choose between, you know, this and that, right and wrong. तो some of us sometimes coin toss करके decisions लेते हैं कि heads अगर आएगा तो हम ये करेंगे, अगर tails आएगा तो ये करेंगे. तो इस film के अंदर भी हर एक character के साथ ऐसा होता है जब उनको एक बहुत ही important decision लेना पड़ता है. वो एक रास्ता पकड़ सकते हैं जो शायद इतना सही रास्ता ना हो, और एक रास्ता है जो नॉर्मल मॉरल्स के हिसाब से विल बी द राइट पाथ टू चूज़. तो उस हिसाब से इट्स अ टॉस, इट्स टॉस ऑफ अ फ्लिप ऑफ डेस्टिनी. आप यू कैन चूज़ आइदर हेड्स और टेल्स और राइट और रॉन्ग. सो आई थिंक दैट इज़ वेयर द टाइटल कम्स फ्रॉम. मेरे किरदार का नाम है जॉश, वो एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के अंदर. पूरी फिल्म गोवा में बेस्ड है, तो ऑब्वियसली द एडवर्टाइजिंग एजेंसी इज ऑल्सो इन गोवा, दे ऑल गोवन कैरेक्टर्स. और मेरा जो कैरेक्टर है, ही इज़ वेरी फास्ट थिंकिंग, विटी कैरेक्टर. वो गंजे को कंगी बेच सकता है, इज़ दैट स्मार्ट एंड गुड विद हिज वर्ड्स. और ये जो छः दोस्त हैं उनके ग्रुप के अंदर, ही इज़ काइंड ऑफ लाइक द वन दैट एवरीवन लुक्स अप टू. सब लोग उसके जब प्रॉब्लम होती है तो उसके पास जाते हैं, बोलते हैं कि जॉश अभी हम क्या करें. थोड़ा सा सीनियर लीडर ऑफ द ग्रुप काइंड ऑफ image hai uska. The film Toss a Flip of Destiny is about a few friends and how something that happens in their life changes their friendship, tests their friendship towards good or bad. And when people watch this film, they will be thinking about their friendship with their friends and putting themselves in the same situation, saying that if we were in that situation, how would we react. And it's a film where you get to think about what a person is capable of doing if that person is put in a certain situation which none of us know about us, but maybe in a given situation we might act differently, which we don't even know. So it's one of those films. It's not. It's very real. You know, it could happen to anybody, and it's real. And the reactions you see are not. You will not say, "Nahi yaar, aisa nahi ho sakta." It'll all be real. And it's a very fast-paced film, and there are lots of twists and turns. My character is his name of the character is Ryan. He's a happy-go-lucky person. He's a Goa beach bum. He believes in no work, and He believes that, you know, one day there'll be a stroke of luck, there'll be destiny, there's God, and he'll get lucky, and that's why it doesn't work. But he's a lovable guy, everybody loves him, he chills out on the beach, he's always around the shacks, everybody loves him, his friends love him. And one day actually, you know, he gets lucky. But what happens from there is the film. I only believe in toss when it comes to sports, otherwise I believe in hard work. Toss basically ek theme pe based hai kahani. Hum sab अपने बारे में एक राय होती है ऑन द बेसिस ऑफ आर बिलीफ कि मैं अच्छा इंसान हूँ, या मैंने कभी किसी को हर्ट कर दिया तो मैं बोलूँगा नहीं, मैं पूरी तरह अच्छा भी नहीं हूँ. एक इमेज होती है और उस इमेज के साथ हम जिए जाते हैं. एक टीचर है जैसे स्कूल में जाता है, आता है जाता है, तो एक्चुअली उसका लाइफ स्पैन 70 साल भी, और जिया उसने 15 साल ही है, और उसकी अपने बारे में जो राय है उसको कभी कोई चैलेंज अगर नहीं मिलता तो उसी राय के साथ वो गुजर जाता है. असल में हम क्या हैं ये तभी पता चलता है कि कोई एक टेस्टिंग ग्राउंड हो जिससे हम गुजरें, तो हमें अपने बारे में पता चलेगा कि हम असल में किस, मतलब व्हाट वी आर मेड अप ऑफ. इस थीम को लेके कहानी है, छह दोस्तों की. वो एक पिकनिक से लौट रहे हैं, रास्ते में उन्हें भूख लगती है, उनमें से एक कुछ खाने का सामान लेने चला जाता है, दुकानदार उसको 10 रुपये एक्स्ट्रा दे देता है, वो उसको वापस ले देता है. जब ये बाकी लोगों को दोस्तों में शामिल होता है तो वो पूछते हैं कि इतनी देर कहाँ लगा दी. एनी सेंस के ने वो शॉपकीपर ने मुझे 10 बक्स एक्स्ट्रा दे दिए थे तो मैंने वापस कर दिए, और 100 होते तो तब भी वापस कर देता, 1000 तब भी, और 1 लाख ऑब्वियसली
मतलब तुम्हें कैसे मालूम कि 1 लाख मिलने के बाद भी तुम रहते? एक बड़ा क्वेश्चन है ऑडियंस के सामने भी और कैरेक्टर्स के सामने भी। इसके बाद एक इंसिडेंट होता है विच इज़ ए वेरी सिंपल लाइक फ्लैट टायर, इट्स चेंजेस देयर डेस्टिनी, देयर रिलेशनशिप विद ईच अदर एंड ब्रिंग आउट द वर्स्ट और वट एवर उनके असल में वो क्या है उसको सामने लाता है। इस फिल्म की जब मैंने स्क्रिप्ट लिखी तो इसमें गानों के लिए कोई स्कोप नहीं था। मुझे ये लगा कि कैसे मैं म्यूजिक को इंटरप्रेट कर सकता हूँ इन ए वेरी डिफरेंट वे। नरेटिव जब चल रहा होता है तो गाना आता है, फिर नरेटिव शुरू होता है गाना ख़त्म करने के बाद। इसको मैंने ऐसे इंटरपोलेट किया है स्क्रिप्ट में कि इट्स लाइक हमारी जो कन्वर्सेशन है वो म्यूजिकली भी ट्रीट कर सकते हैं। सो देयर गाने ही इंटीग्रल पार्ट हैं कहानी का, मतलब अलग से गाने नहीं। आई डोंट नो, मुझे तो लगता है सबको पसंद आएगी। बाकी